किसी ने क्या खूब कहा है, जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं और भगवान की लीलाओं की सीख को अपने जीवन में उतारते हैं, भगवान की कृपा उन्हीं लोगों को मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो है भगवान का मंगल विधान। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। तो आइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। पुरानी बात है, कलकत्ते में सर कैलाश चंद्र बसु प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनकी माता बीमार थी। एक दिन बसु महोदय ने देखा माता की बीमारी बढ़ गई है, कब प्राण चले जाएं कुछ पता नहीं। रात्रि का समय था। कैलाश बाबू ने बड़ी नम्रता के साथ माताजी से पूछा, माँ तुम्हारे मन में किसी चीज की इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे पूरी कर दूं। माता कुछ देर चुप रहकर बोली, बेटा उस दिन मैंने बंबई के अंजीर खाए थे, मेरी इच्छा है अंजीर मिल जाए तो मैं खा लूं। उन दिनों कलकत्ते के बाजार में हरे अंजीर नहीं मिलते थे, बंबई से मंगाने में समय अपेक्षित था, हवाई जहाज थे नहीं, रेल के मार्ग से भी आजकल की अपेक्षा अधिक समय लगता था। कैलाश बाबू बड़े दुखी हो गए। माँ ने अंतिम समय में एक चीज मांगी और मैं माँ की उस मांग को पूरी नहीं कर सका। इससे बढ़कर मेरे लिए दुख की बात और क्या होगी, पर कुछ भी उपाय नहीं सूझा। रुपयों से मिलने वाली चीज होती तो कोई बात नहीं थी, कलकत्ते या बंगाल में कहीं अंजीर होते नहीं, बाजार में मिलते नहीं, बंबई से आने में 3 दिन लगते हैं, टेलीफोन भी नहीं जो सूचना दे दे। रात के लगभग 11 बजे किसी ने दरवाजा खोलने के लिए बाहर से आवाज दी। डॉक्टर बसु ने समझा किसी रोगी के यहां से बुलावा आया होगा। उनका चित्त बहुत खिन्न था। उन्होंने कह दिया, इस समय मैं नहीं जा सकूंगा। बाहर खड़े आदमी ने कहा, मैं बुलाने नहीं आया हूं, एक चीज लेकर आया हूं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, सुंदर टोकरी हाथ में लिए एक दरबान भीतर आकर कहा, डॉक्टर साहब हमारे बाबूजी अभी बंबई से आए हैं, वह सवेरे ही रंगून चले जाएंगे, उन्होंने यह अंजीर की टोकरी भेजी है, वह बंबई से लाए हैं, मुझसे कहा कि मैं सवेरे चला जाऊंगा, अभी अंजीर दे आओ, इसीलिए मैं अभी लेकर आ गया, कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। कैलाश बाबू अंजीर का नाम सुनते ही उछल पड़े। उन्हें उस समय कितना और कैसा अभूतपूर्व आनंद हुआ इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए, शरीर में आनंद से रोमांच हो गया आया। अंजीर की टोकरी को लेकर वे माता जी के पास पहुंचे और बोले, माँ लो भगवान ने अंजीर तुम्हारे लिए भेजे। उस समय माता का प्रसन्न मुख देखकर कैलाश बाबू इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें जीवन का परम दुर्लभ महान फल प्राप्त हो गया। बात यह थी कि एक गुजराती सज्जन जिनका फार्म कलकत्ते और रंगून में भी था, डॉक्टर कैलाश बाबू के बड़े प्रेमी थे। वे जब जब बंबई से आते तब अंजीर लाया करते थे। भगवान का मंगल विधान का आश्चर्य देखिए। कैलाश बाबू की मरणासन्न माता आज रात को अंजीर चाहती है और उनकी चाह को पूर्ण करने की व्यवस्था बंबई में 4 दिन पहले ही हो जाती है और ठीक समय पर अंजीर कलकत्ते से उनके पास आ पहुंचते हैं, एक दिन पीछे भी नहीं और पहले भी नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची भावना और दिल से अगर किसी चीज की चाह हो तो समय भी आपके अनुकूल हो जाता है और तो और भगवान भी साथ देने लगते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से आप जो भी सोचेंगे वो आपको प्राप्त होगा। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स जरूर करिए
और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।